हेलो दोस्तों दोस्तों स्वागत है अच्छी स्ट्रीम में। तो दोस्तों जैसा कि मैं एसएससी जेई मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए एक ये प्रीवियस क्वेश्चन का सीरीज चला रहा हूँ, तो दोस्तों इसी क्रम में मैं आज आपके लिए फ्लूइड मैकेनिक्स का दूसरा लेक्चर लेकर आया हूँ। दोस्तों फर्स्ट लेक्चर मैंने ऑलरेडी बेसिक्स फ्लूइड मैकेनिक्स को डिस्कस किया है, तो आई होप आपने उसको देखा होगा और मैं आज उसी में उसके आगे मैं डिस्कस करूंगा। बट दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या किया है, पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूंगा और उसके बाद मैं उसके क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जो कि पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो दोस्तों आई होप आप अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे और आपका एग्जाम भी बहुत ही करीब में है, इसलिए आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं अपनी स्लाइड नंबर 2 पे और आज का क्वेश्चन को देखते हैं। सॉरी आज हम पहले देखेंगे बेसिक्स, उसका क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों आप फर्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, यहाँ पे एक लिया है पीजोमेट्रिक ट्यूब और यहाँ पे एक बैरोमीटर है। तो दोस्तों ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, बट मैं यहाँ पे रिविजन के लिए बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एसएससी जेई के एग्जाम में। तो दोस्तों सपोज ये फ्लूइड यहाँ पे रखा हुआ है इस पीजोमीटर के अंदर और यहाँ पे ये पाइप की हाइट है, ये जो हाइट यहाँ पे दी हुई है अच्छी। तो दोस्तों यहाँ पे दो कंडीशन हो सकता है, या तो आपको प्रेशर दिया हुआ यहाँ का, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे उस पर्टिकुलर फ्लूइड के लिए पीजोमीटर का जो आप हाइट है उसको डिसाइड करके उसमें फिट कर देंगे। और सेकंड थिंग ये दोस्तों अगर आपको यहाँ पे एच पता है तो आप उस फ्लूइड का प्रेशर निकालिए, अगर आप हाइट पर जाए तो कितना प्रेशर यहाँ पे इस पाइप के अंदर आ रहा है या जो भी आप फ्लो कर रहे हो कितना आ रहा है उसको आप निकाल सकते हैं। ये दोस्तों बहुत ही सिंपल डिवाइस है प्रेशर मेजरमेंट्स के लिए, बट इसी कॉन्सेप्ट पे यूज करके हम बैरोमीटर यूज करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए। दोस्तों इस केस में क्या होता है, सपोज दोस्तों ये अपना आपका ये फ्लूइड है, आपका ये मान ली मरकरी, सपोज आप इसको मान लीजिए आप मिश्री। और दोस्तों यहाँ पे एक होता है टोरोशिलियन वैक्यूम, ये दोस्तों वैक्यूम इसलिए क्रिएट किया जाता है कि अगर इस वैक्यूम सपोज इस कंडीशन में देखिए दोस्तों वैक्यूम नहीं है, फर्स्ट कंडीशन में कोई वैक्यूम नहीं है, यहाँ पे वैक्यूम नहीं होने की वजह क्या होगा, यहाँ पे एटमोसफियर प्रेशर थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर सकता है जो हमारा रिजल्ट है उसको अफेक्ट कर सकता है, हमको वहाँ पे एब्सोल्यूट नहीं मिलेगा। और इस कंडीशन में क्या किया है, एक वैक्यूम क्रिएट किया है, जो भी हमारा यहाँ पे हाइट आएगा उससे हम जो प्रेशर निकालेंगे हमको एग्जैक्ट मिलेगा। तो दोस्तों ऐसा माना गया कि जो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो तुमको पता है पहले से पी एटमॉस्फेयर कितना होता है, 1 एटमॉस्फेयर होता है जो कि होता है 1.0132 × 10⁵ N·m². इसको हम जब डिवाइड करेंगे रोजी से, रोजी क्या होता है, रो होता है उस स्पीड का डेंसिटी जो स्पीड के लिए हमको इसकी हाइट निकालनी होती है। और ये डिफरेंट स्पीड के लिए डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो सपोज हम अगर मैं पूछूँ किसी कंडीशन में कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मरकरी कॉलम की हाइट बताइए, तो आपका क्या हो जाएगा 0.752 m Hg और यह हो जाएगा 76 cm ऑफ मरकरी कॉलम। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, ये भी पूछ सकता है 0.752 m Hg पूछ सकता है, या फिर ये पूछ सकता है कि सपोज उसने क्या किया फ्लूइड चेंज कर दिया, अभी उसने लिया वाटर, तो यहाँ पे वाटर की डेंसिटी पुट करेंगे हम लोग इस वाले कंडीशन में और यहाँ पे तो आपका एटमोसफेयर प्रेशर ही होगा, तो आप अब क्या हो जाएगा 10⁴ m H2O, ये आपका होगा वाटर की अगर हम लोग मैनोमेट्रिक फ्लूइड यूज करेंगे तो डेंसिटी क्या होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हाइट कितना होगा प्रेशर के लिए। तो दोस्तों आपको सारी चीज़ याद रहनी चाहिए इसलिए क्लियर कट, क्योंकि ये किसी भी फॉर्म में एग्जाम पूछ सकता है। तो अभी आपको ये याद होना चाहिए कि 1 atm = 10.4 m ऑफ H2O भी हो सकता है या 76 cm Hg भी हो सकता है और 0.752 m Hg भी हो सकता है, तीनों बात ये सारी एक दूसरे के इक्वल है। अगेन दोस्तों अगर आपको कहीं पे प्रेशर डिफरेंस निकालना है, प्रेशर डिफरेंस आपको निकालना पे कहीं पे है और आप चाहते हैं कि थोड़ा हाई प्रेशर मेजर किया जाए, तो उसकी इस कंडीशन में दोस्तों हम यूज करते हैं यूट्यूब मैनोमीटर का। देखिए दोस्तों यहाँ पे यू शेप का बना हुआ मैनोमीटर है, ये देख सकते हैं इस कंडीशन में ये आपका यूट्यूब मैनोमीटर है, इस टाइप बना हुआ है इसलिए उसको यू शेप का इसलिए उसको बोलते हैं यूट्यूब मैनोमीटर। बट अगर आप उसको यूट्यूब ये वाला मैनोमीटर यूज करते हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो रो एम होगा, रो एम मीन्स जो आपका मैनोमेट्रिक फ्लूड होगा उसकी डेंसिटी क्या होगी, रो फ्लूड जिसका आप प्रेशर मेजर करेंगे उसका रो एम है, जैसे यहाँ पे ये रो एम है मैनोमेट्रिक फ्लूड है जो इस पर्टिकुलर मैनोमीटर में रखा हुआ और यहाँ पे ये पाइप है इसमें सपोज यहाँ फ्लूड फ्लो कर रहा है और आपको निकालना है P1 और ये यहाँ पे प्रेशर का डिफरेंस क्या होगा, तो आप इसको निकाल सकते हैं। बट इस कंडीशन में आप ये जानना होगा कि यहाँ पे रोयम जो होगा ये जो मैनोमेट्रिक फ्लूड है इसकी डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा होगी कंपेयर टू
जो फ्लूड इस पाइप के अंदर है। सिमिलरली दोस्तों इस कंडीशन में कभी कभी क्या होता है कि हम लोग मैनोमीटर को इंक्लाइन कर देते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है और एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अगर आप मैनोमीटर इंक्लाइन क्यों किया जाता है और कितना कर सकते हैं, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो दोस्तों आपको याद रहना चाहिए कि मैनोमीटर को अगर हम इंक्लाइन करते हैं, तब ये यहाँ पे थीटा डिग्री इंक्लाइन किया हमने, तो जो थीटा की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 5 डिग्री होना चाहिए। और इंक्लाइन क्यों करते हैं, इंक्लाइन इसलिए करते हैं ताकि मैनोमीटर की जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाए, क्योंकि जब इस कंडीशन में आप इसका वो मेजर करते हैं हाइट एच, और यहाँ पे जो आप मेजर कर रहे हैं एस, तो ये एस जो होगा कंपेयर टू एच ज़्यादा होगा थोड़ा, जिससे हमको जो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी प्रेशर की वो थोड़ी सी ज़्यादा एक्यूरेट मिलेगी कंपेयर टू ये विदाउट इंक्लाइन वाले थे। इसलिए हम क्या करते हैं, मैनोमीटर को इंक्लाइन करते हैं। अब इंक्लाइन कितना करना, थीटा ग्रेटर देन 5 डिग्री होना चाहिए दूसरी बात, और तीसरी बात यह है कि क्यों करते हैं, एक्यूरेसी के लिए। एक्यूरेसी से क्या होती है, बढ़ती है। बट अब यहाँ पे थीटा से अगर मैं क्या किया, थीटा यहाँ पे 5 डिग्री कम किया तो क्या होगा, तो दोस्तों देखिए अब सपोज यहाँ पे आपको ये लिंब है जिसमें फ्लूड फ्लो कर रहा है, अगर ये फ्लूड इतना ज़्यादा फैल जाएगा यहाँ पे, तो जब पॉइंट आप डालेंगे यहाँ से यहाँ तक पॉइंट आप लेंगे इसकी वैल्यू, तो आप इसको लेंगे इसको लेंगे इसको लेंगे यहाँ पे लेंगे किसको लेंगे, तो यहाँ पे एरर बहुत बढ़ जाएगा। इसी कंडीशन में देखिए आप इसको ले लेंगे इस वाले यहीं तक आपको लेना पड़ेगा या यहाँ तक लेना पड़ेगा, तो अगर इसको और ज़्यादा अगर आप यहाँ पे कर देंगे लाके, तो ये एरर और बढ़ता चला जाएगा क्योंकि ये वाटर और ज़्यादा फैल जाएगा, तो आपका यहाँ पे मार्क करने में जो पॉइंट है उसमें बहुत प्रॉब्लम होगी, और कोई प्रॉब्लम नहीं है इन कंडीशन का। तो आपको दो बात ध्यान रखनी है, थीटा ग्रेटर देन 5 डिग्री होना चाहिए, और मैंने सेकंड क्वेश्चन इंटरव्यू पूछ सकता है कि अगर आप मैनोमीटर का एक्यूरेसी बढ़ाना है तो क्या करेंगे, तो आप इंक्लाइन कर देंगे, कितना इंक्लाइन करेंगे, 5 डिग्री से कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बस सारी चीज़ें आप एक्सप्लेन कर देंगे आपका काम हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा आज का लेक्चर। अगेन दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, और ये दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, ये आपका इन्वर्टेड यू टू मैनोमीटर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ऐसा बना हुआ है मीन्स यू का इन्वर्ट है, तो इस कंडीशन में दोस्तों क्या होता है, सपोज यहाँ पे ये फ्लूड फ्लो कर रहा है, आपको प्रेशर निकालना है, इस कंडीशन में दोस्तों जो रोएम होता है वो लेस देन होता है रो फ्लूड, ये डिफरेंस है जब आप यू ट्यूब मैनोमीटर और इन्वर्टेड ट्यूब मैनोमीटर का यूज करते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। अगेन दोस्तों अभी हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, देखते हैं अभी मैं नेक्स्ट का डिस्कस करता हूँ। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लूड काइनेमेटिक्स में आपका यूज होता है कि दोस्तों अगर फ्लूड फ्लो हो रहा है तो फ्लूड अगर कब उसको बोलेंगे कि स्टडी फ्लो है, कब बोलेंगे अनस्टडी फ्लो है, कब बोलेंगे उसको यूनिफॉर्म फ्लो है और कब बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है। तो दोस्तों सपोज आपका ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है, एक फ्लूड फ्लो कर रहा है इस पाइप में, और जिसको वेलोसिटी है वो केवल फंक्शन किसका है, एस का फंक्शन है, एक्सेलरेशन में उसका एस का फंक्शन है, टी का फंक्शन नहीं है, टी से वेरी नहीं कर रहा है, तो उसको बोलेंगे हम क्या कि वो फ्लो स्टडी फ्लो है। अगर वो टेम्परेचर के साथ वेरी करेगा, सॉरी टाइम के साथ वेरी करेगा, तो अनस्टडी हो जाएगा। ये तो देखिए यहाँ पे स्टडी फ्लो इज डिफाइंड एज अ फ्लो इन विच द वेरियस हाइड्रोडायनेमिक पैरामीटर ऑफ द फ्लूइड प्रॉपर्टीज एट एनी पॉइंट डू नॉट चेंज विद टाइम, टाइम से चेंज नहीं करना है, फ्लो इन विच एनी ऑफ दिस पैरामीटर चेंजेस विद द टाइम इज टर्म्ड एज अनस्टडी फ्लो, मीन टाइम का गेम होता है स्टडी अनस्टडी, आपको ये बात ध्यान रखनी है। सेकेंड होगा दोस्तों यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पे आपका टाइम साथ वेरी कर सकता है, बट यहाँ पे क्या होगा विन वेलोसिटी एंड हाइड्रो अलग जो भी पैरामीटर हैं वो टाइम के साथ चेंज नहीं होते हैं, डू नॉट चेंज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, यहाँ पे दोस्तों टाइम है पॉइंट टू पॉइंट देखना है। तो दोस्तों अगर मान लीजिए आपको ये पाइप है, अगर पाइप का एरिया यहाँ पे चेंज हो रहा है यहाँ से यहाँ तक फ्लो में, ये दोस्तों ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, या कुछ ऐसा है डक्ट है, ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, मीन जहाँ पे एरिया आपका कॉन्स्टेंट नहीं है उसमें फ्लो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे फ्लो करा रहा हूँ सिंपल पाइप में, तो ये क्या हो जाएगा, ये फ्लो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म फ्लो हो जाएगा, क्योंकि एरिया यहाँ पे वेरी नहीं कर रहा, पॉइंट टू पॉइंट जो है आपका बी और एक्स और वेरी नहीं कर रहा इसके। तो आई होप दोस्तों समझ में आपको आया होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी अच्छे से समझ लीजिए आप। अगेन दोस्तों चलते हैं हम लोग इसी को और डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन जो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका स्टडी यूनिफॉर्म फ्लो, तो वो मैंने बताया था स्टडी है यूनिफॉर्म भी है, मीन्स यूनिफॉर्म मीन्स का पाइप का जो क्रॉस सेक्शन है वो कांस्टेंट रहेगा और टाइम के साथ ही वेरी नहीं करेगा। तो दो चीज़ यहाँ पे ये लिखा ही होना चाहिए, फ्लो एट कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट मतलब टाइम वेरी नहीं करेगा, थ्रू अ डक्ट यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, जहाँ पे यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन आ गया और टाइम कांस्टेंट हो गया, मतलब क्या हो गया स्टडी भी हो गया वो और यूनिफॉर्म दोनों फ्लो हो गया। अगर दोस्तों स्टडी तो है नॉन यूनिफॉर्म है, मीन्स यहाँ पे फ्लो कांस्टेंट रेट से ही होगा बट
डक्ट जो होगा वो नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का होगा, मीन्स ऐसा कुछ होगा, या तो डक्ट का एरिया बढ़ेगा या तो डक्ट का एरिया घटेगा, मीन्स वो कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा डक्ट का एरिया, वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। इसलिए ये फ्लो क्या होगा, जैसे टैपिंग पाइप लिख दिया, एग्जाम्पल दिया हुआ टैपिंग पाइप, क्वेश्चन में आ सकता है कि कौन से पाइप में फ्लो होगा, तो फ्लो नॉन यूनिफॉर्म होगा विद कॉन्स्टेंट रेट, तो क्या बोलेंगे आप टैपिंग पाइप। यहाँ पे भी लिखा हुआ द रीजन क्लोज टू द वॉल्स ऑफ डक्ट इज हाउ डिसरिगार्डेड, ठीक है। हाँ यहाँ पे जब भी कभी वॉल ओपन या क्लोज होता है तो वहाँ पे उसको डिसरिगार्ड करके ये कंसिडर किया जाता है, क्योंकि जब भी कभी सडनली वॉल क्लोज करेंगे या ओपन करेंगे तो उस कंडीशन में दोस्तों क्या होगा कि हमारा फ्लो स्टडी अनस्टडी हो सकता है। देन दोस्तों अनस्टडी यूनिफॉर्म, अनस्टडी मीन्स टाइम के साथ वेरी करेगा बट पॉइंट टू पॉइंट वेरी नहीं करेगा, मतलब क्या होगा क्रॉस सेक्शन एरिया तो कॉन्स्टेंट होगा, फ्लो इज वेरिंग रेट्स डिफरेंट रेट, मतलब रेट मीन्स क्या टाइम थ्रू लॉन्ग स्ट्रेट पाइप यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। अगेन द रीजन क्लोज टू द वॉल, हाँ यहाँ पे वॉल का रीजन इग्नोर करेंगे क्योंकि फ्रिक्शन रहता है। अनस्टडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, फ्लो इज एट वेरिंग रेट, और क्रॉस सेक्शन भी दोनों यहाँ पे चेंज करेगा, यहाँ पे रेट भी वेरी कर जाएगा प्लस जो नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन भी होगा, ये दोनों बातें यहाँ पे आ जाएंगे अगर आपको अनस्टडी भी होगा नॉन यूनिफॉर्म। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टर्म है, इसको आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए तो दोबारा वीडियो को अच्छे से। अगेन दोस्तों फिर में केस में हम जो एक्सेलरेशन निकालते हैं टोटल उसको कैसे निकालते हैं दोस्तों, देखिए मैंने कि एक्स ए वाई एज तीनों डायरेक्शन का फ्लो का मैंने एक्सेलरेशन लिखा हुआ है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी यू बाई डी टी, डी वी बाई डी टी, डी डब्ल्यू बाई डी टी। यू वी डब्ल्यू क्या है दोस्तों, एक्स वाई एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में क्या है वेलोसिटी, इसी को बोलते हैं मटेरियल और सब्सटेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं। इसके दो टर्म होते हैं, इस वाला टर्म को जो टर्म जिसमें टेम्परेचर वाला टर्म आ रहा है इसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग टेम्पोरल और लोकल एक्सेलरेशन। ये टर्म तभी आएगा जब फ्लो क्या होगा अनस्टडी होगा, जहाँ फ्लो अनस्टडी नहीं वहाँ पे टर्म क्या होगा जीरो हो जाएगा। सेकंड दोस्तों ये सारे टर्म जो इधर है आप देख रहे हैं जहाँ पे केवल डायमेंशन आ रहे हैं एक्स वाई जेड, ये सारे कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन है, जहाँ पे फ्लो यूनिफॉर्म हो जाएगा वहाँ पे ये सारे जीरो हो जाएंगे। अरे दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, ये मैं भी जब नियमित सुनूंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगेन दोस्तों अब दो तीन लाइंस कर देते हैं, स्ट्रीम लाइन क्या होता है दोस्तों, ये जो फर्स्ट ग्राफ ये स्ट्रीम लाइन को दिखा रहा है। स्ट्रीम लाइन दोस्तों होता है कि जब कोई फ्लो फ्लो करता है तो स्ट्रीम लाइन पे अगर हम कोई पॉइंट ड्रॉ करते हैं तो वो दोस्तों रिजल्टेंट वेलोसिटी को, जिसका जो टेंजेंट होता है जो स्ट्रीम लाइन पे, वो इसको रिजल्टेंट वेलोसिटी को शो करता है, इसको ऑब्जर्व करना। और अगर वो इस टाइप को बनाएगा तो स्ट्रीम ट्यूब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बात ये है कि दोस्तों कभी भी दो स्ट्रीम लाइन एक दूसरे को कट नहीं करती, इस बात को आपको याद रखना है। और ये होता है इसका क्वेश्चन ड्राइव करने का, अगर दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा। अगेन दोस्तों आप देखिए पाथ लाइन, पाथ लाइन दोस्तों क्या होता है, ये फ्लूड का पाथ बताता है कि फ्लूड किस पाथ से फ्लो कर रहा है, किस पाथ से फ्लूड फ्लो कर रहा है उसको बताता है पाथ लाइन। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे डिफरेंट पाथ दिखाई गए, और पाथ लाइन एक दूसरे में देखिए कर्व भी हो सकते हैं। यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे ये पाथ लाइन सर्कुलर हो गया, यहाँ पे सर्कुलर बन गया, ये कट भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कट भी कर रहे हैं दूसरे को। और ये जो होता है स्ट्रिक लाइन क्या होता है कि फ्लूड जो होता है वो एक पॉइंट से पास करता है, उसको एक पॉइंट से भेजते हैं और उसका जो ट्रेजेक्ट्री होता है उसको ड्रॉ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे मिलाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम क्या स्ट्रिक लाइन्स। बट स्टडी स्टेट कंडीशन में तीनों लाइन कॉन्साइड हो जाती है, ये आप बात आपको याद रखनी है अच्छे तरीके से, स्टडी स्टेट कंडीशन में तीनों लाइन कॉन्साइड हो जाती है। अगेन दोस्तों अगर हम बात करते हैं रोटेशनल फ्लो की, अगर फ्लूड फ्लूड रोटेट कर रहा है बोलते हैं फ्लूड रोटेशन, जैसे मान लीजिए फ्लूड है इधर, इधर फ्लूड है रोटेट कर रहा है फ्लूड को, कुछ ऐसा डायग्राम बनता है रोटेशन में थीटा का, उस कंडीशन में दोस्तों एक बनता है मैट्रिक्स आपका आई जे के डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड यू वी डब्ल्यू। और जब डब्ल्यू एक्स होता है इस कंडीशन में आप देख सकते हैं डेल W डेल Y माइनस डेल बी वाई डेल जेड, वाई कंडीशन में ये वाला हो जाएगा मैट्रिक्स का और जेड कंडीशन में आपको ओमेगा जेड, तीनों कंपोनेंट आप इससे निकाल सकते हैं रोटेशन का फ्लूड का। और फ्लूड रोटेशन को अगर आप कर्ल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते ऐसा होता है ओमेगा तीनों के साथ रिप्रेजेंट करेंगे हाफ हाफ कर्ल ऑफ भी होता है, और कर्ल ऑफ भी अगर जीरो है
फ्लो में रोटेशन नहीं है, फ्लो हो जाएगा इरोटेशनल। और इरोटेशनल फ्लो को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल फ्लो बोलते हैं, पोटेंशियल फ्लो बोलते हैं, जहाँ पे यूनिफॉर्म, जहाँ पे बर्नौली इक्वेशन और जो भी आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन मिले डायरेक्टली, यहाँ पे कोई भी हम लोग विस्कस कॉन्सेप्ट कोई भी नहीं आता यहाँ पे इस कंडीशन में। अगेन दोस्तों यहाँ पे सपोज आपका जो सरफेस होता है वहाँ पे अगर आपको फोर्स निकालना है, कैसे निकालेंगे इस कंडीशन में दोस्तों? दो कंडीशन, सपोज मान लीजिए सरफेस फ्री सरफेस है, यहाँ पे फ्री सरफेस में यहाँ फ्री सरफेस है और यहाँ पे आपका एक प्लेट रखा हुआ है। यहाँ पे अगर मैं एच सी निकालूंगा, यहाँ पे एच सी क्या फ्री सर्फेस से जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस है तो एस सी हो जाएगा। ये सिंपल आपका एक लाइन मिलेगा तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो यूनिफॉर्म है, सारा पॉइंट एक हो जाएगा। सेकंड दोस्तों यहाँ पे अगर इंक्लाइन थीटा डिग्री है तो उस कंडीशन में देख सकते हैं जो प्रेशर की इंटेंसिटी आपको क्या हुई वो तो वेरी करती रहेगी, जो आप इस कर्व से देख सकते हैं। तो इसका जो नेट फोर्स आएगा वो उसका आप इसका सी जी, जिस इंटेंसिटी का सी जी बन रहा है वहाँ पे आपको नेट फोर्स लगेगा, तो उसको आप देख सकते हैं यहाँ पे कहाँ पे लग रहा है वो नेट फोर्स, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर। और सी जी जो होगा वो तो एच सी का डिस्टेंस होगा और ये आपका सी पी हो जाएगा, सेंटर ऑफ प्रेशर होगा जब आपका नेट फोर्स लग रहा है। और दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट केस में आप देख सकते हैं, सपोज यहाँ पे मैंने आउटर में दिखाया है आपको, ये आपका एक इंक्लाइन है, ये आपका इंक्लाइन प्लेन है थीटा डिग्री पे, ये आपका सी जी है पर्टिकुलर जो कि बॉडी इंक्लाइंड है, और ये आपका उसका एच सेंटर ऑफ प्रेशर है, क्योंकि सेंटर ऑफ प्रेशर जो डिफरेंट है। सपोज मान लीजिए मैं सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ, ये आपका एक प्लेट है बिल्कुल ऐसे वर्टिकल रखा हुआ है, पानी डूबा हुआ है, यहाँ पे जो प्रेशर का प्रेशर लगेगा उस टाइप से वेरी करेगा, प्रेशर प्रेशर की इंटेंसिटी ऊपर से लेकर टॉप से डाउन तक वेरी करती रहेगी। तो इसके नीचे में दोस्तों प्रेशर की इंटेंसिटी वेरी कर रही है, इसलिए इसका जो फोर्स होगा वो सी जी पे नहीं लगेगा, सी जी तो कहीं मान लीजिए इसका यहाँ पे होगा, बट जो उसका सेंटर प्रेशर होगा कहीं यहाँ पे सी पी होगा, क्योंकि जो इंटेंसिटी का ये वाला पार्ट है नीचे वाला पार्ट है वहाँ पे ज़्यादा डोमिनेट है, तो सी पी फोर्स लेकिन आपको नेट कहाँ पर लगेगा? सी पी पे लगेगा। एफ जो क्या होता है देख सकते हैं, डब्ल्यू ए एक्स बार, डब्ल्यू क्या होता है यहाँ पे रोजी, डब्ल्यू इसका होता है रोजी, मीन्स रोजी ए एक्स बार होता है, एक्स बार मीन्स क्या यही, एक्स बार मीन्स क्या सेंटर फ्री सर्फेस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस क्या है। और आपको अगर सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? उसको निकालने का तरीका तो दोस्तों एच बार से लिखा गया है, लेकिन वो एच ही है यहाँ पे दोस्तों होता है। अगर आप मान लीजिए आपका सर्फेस हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, जैसा कि प्रीवियस स्लाइड में था, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में तो आपका एच सी और एच पी, एच और सी पी दोनों ही बराबर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में नहीं है, वर्टिकल पोजीशन में, तो क्या हो जाएगा? उस कंडीशन में आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है? सेंटर ऑफ प्रेशर का डिस्टेंस क्या होगा? एक्स बार, एक्स बार मीन्स क्या? सी जी का डिस्टेंस, देखिए सी जी एक्स बार तो आपने यहाँ ऐड, प्लस प्लस क्या ऐड करना पड़ेगा? आई जी बाई ए एक्स बार। अगर मान लीजिए इंक्लाइन थीटा डिग्री तो क्या होगा? एक्स बार तो रहेगा ही, आई जी बाई ए एक्स बार इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये तीनों फॉर्मूले आप अच्छे से याद करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन केस में आपका सेंटर ऑफ प्रेशर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों ही एक पॉइंट होंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और अभी स्टेबिलिटी का कंडीशन देखते हैं। सपोज की बॉडी अगर सबमर्ज है, यहाँ पे फ्री सरफेस दिखा रहा है, मीन्स ये आपका, ये आपका वाटर का जो लेवल है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और तीनों बॉडी यहाँ पे वाटर में सबमर्ज है। दोस्तों आपको पता है कि जो भी बॉडी होती है तो सी जी जो होगा वो कॉन्स्टेंट होगा, जी का पॉइंट कभी वेरी नहीं कर सकता, तीनों बॉडी में जी यहीं पर रहेंगे। वेरी क्या करेगा उसका? एफ बी, बी क्या होता है? सेंटर ऑफ बॉयंसी, सेंटर ऑफ बॉयंसी इसको वेरी करेगा। अब देखिए दोस्तों बॉयंसी का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। जब भी हम कोई बॉडी, आपके बॉडी जी ने इसको प्रिंसिपल दिया था, मान लीजिए बॉडी है इसको मैंने यहाँ पे वाटर में एंटर कर दिया है, तो इस बॉडी का जो वेट है डब्ल्यू वेट जो है वो किसके बराबर होगा? वो बड़ा होगा जो वाटर यहाँ पे, जो भी वाटर इसने डिस्प्लेस किया है उसके वेट के बराबर। तो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये तो हो गया आपका। हम दोनों को क्या करेंगे? इक्वेट करने से हम निकाल सकते हैं कि कितना पार्ट इसका वाटर के अंदर में गया है। वो डिपेंड करता है कि कौन सा फ्लूइड के अंदर उसको डुबाया गया है। एक पार्ट ये हो गया। सेकेंड पार्ट दोस्तों उसका ये है कि सपोज
सपोज मैंने क्या किया, ये फ्लूड है, मैं एक बार फिर से बनाता हूँ और मैंने इसको यहाँ पर डुबा दिया है। दोस्तों जितना पार्ट इसका इनसाइड रहता है उसका उसका जो हाफ होगा वही होता है उसका सेंटर ऑफ बॉयंसी। जो भी पार्ट फ्लूड के अंदर होगा उसका जो हाफ पार्ट होगा सी जी बनेगा, डूबे हुए पार्ट था सी जी होगा, वो उसका क्या होगा सेंटर ऑफ बॉयंसी होगा। और बॉडी का सी जी तो कॉन्स्टेंट होगा, वो तो उसके मास डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करेगा, बट सेंटर ऑफ बॉयंसी किस पर डिपेंड करेगा, कितना पार्ट उसका वाटर में डूबा होगा। सपोज दोस्तों एक मान लीजिए ये नदी है, नदी में कोई अगर नाव यहाँ पर तैर रही है तो नाव को जानते हैं यहाँ पर क्या होती है, वो इधर उधर फिल्ट करती है, तो वो कभी इधर जाता डूब जाएगी, कभी इधर ज़्यादा डूब जाएगी, उसका सीढ़ी क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या हो जाएगा, वो पॉइंट्स वो वेरी करता रहता है। अगर कोई बॉडी फ्लोट कर रही है तो, अगर कोई बॉडी फ्लोट नहीं कर रही है पूरी तरह से वाटर में डूब गई है, ये वाटर का लेवल है, बॉडी यहाँ के अंदर आ गई, उसका सी बी सेंटर ऑफ बॉयंसी और सी जी दोनों ही कॉन्स्टेंट रहेगा, क्योंकि सी जी तो ऑलरेडी कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर सी जी भी कॉन्स्टेंट रहेगा। बट अगर कोई बॉडी फ्लोट कर रही है, जैसे इस कंडीशन में फ्लोट कर रहा है, इस कंडीशन में फ्लोट कर रहा है, तो उस कंडीशन में उसका जो वी है वो वेरी करता रहेगा। क्यों वेरी करता रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे फ्लो फ्लूड जो भी वो बॉडी फ्लोट करेगा तो उसका जो एरिया है जो उस वाटर के अंदर आ रहा है वो वेरी करता जा रहा है, उसका जो वॉल्यूम जो वाटर डिस्प्लेस हो रहा है वो भी क्या हो रहा है वेरी करता जा रहा है। तो दोस्तों इसी कंडीशन में स्टेबिलिटी का जो कंडीशन होता है वो दोनों कंडीशन में अलग अलग होता है। तो फर्स्ट हम डिस्कस जो कर रहे हैं वो देख रहे हैं कि कोई भी बॉडी अगर पूरी तरह सबमर्ज है तो उस कंडीशन में कब स्टेबल होगा, तो फर्स्ट कंडीशन। तो यहाँ पे दोस्तों बी और जी दोनों ही क्या होंगे उसके कॉन्स्टेंट हो गए, हाँ ये हो सकता है कि लोकेशन उसका चेंज हो गया लेकिन वो कॉन्स्टेंट रहेंगे, यहाँ पे वेरी नहीं करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन में देखिए ए वाला जो कंडीशन है क्या दिया हुआ है कि बी जो है और जी है, बी जो है जी से ऊपर है, उस कंडीशन में देखिए दोस्तों अगर इसको टिल्ट करते हैं आप, मान लीजिए मैंने इसको ऐसे टिल्ट कर दिया तो ये वाला फोर्स बैलेंस ऊपर लगेगा और जी यहाँ पे नीचे है, तो फिर से इसको बैक करके ये लग चला जाएगा, दोनों पॉइंट पे आना, तो ये न्यूट्रल, ये इसलिए क्या बोला गया इसको बोला गया स्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये मान लीजिए इसको न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होगा क्योंकि जैसे मैंने इसको टिल्ट यहाँ से किया ऊपर से भी फोर्स इस डायरेक्शन में आ रहा है, नीचे से भी फोर्स यहाँ पे आ रहा है, तो सीधे बॉडी फिर से अपने पोजीशन पे आ जाएगी। सबसे जो दोस्तों डेंजरस कंडीशन वो ये वाला कंडीशन है, जिस कंडीशन में जी जो है वो अबव हो गया अब डी नीचे को, इस कंडीशन में मैंने उसको टिल्ट किया तो जी का तो फोर्स ऐसे आएगा, जी जो होगा वो कैसा आएगा ऊपर से लगेगा और बी ऊपर से लगेगा। अब मैंने इधर ही टिल्ट किया और आपका टॉर्क का डायरेक्शन भी इधर ही आ रहा है, तो अल्टीमेटली क्या करेगा पूरी बॉडी पर लट जाएगी, तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बट दोस्तों ये किस कंडीशन के लिए, ओनली सबमर्ज बॉडी के लिए है, जब आपकी बॉडी पूरी तरह सबमर्ज है, जब आपका जो डिस्प्लेस वॉल्यूम है पूरा चेंज नहीं कर रहा है, आपको जो समझ में आ गया। अगर दोस्तों मैं अभी चलता हूँ आपको बताता हूँ अगर बॉडी फ्लोट कर रही है तो उसको कैसे स्टेबल रखना है, उस कंडीशन को हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों ये आपका कंडीशन है फ्लोटिंग कंडीशन का, ये आपका एक बना हुआ है नॉ टाइप का, देख सकते हैं बोट टाइप बना हुआ है। तो मैं इनिशियली इसको माना हूँ कि ये दोस्तों जी इसका एबव है, बी इसका बिलो है। और दोस्तों होता क्या है कि कोई बॉडी अगर फ्लोट कर रही है उस कंडीशन में आपका, अगर इसको डिस्प्लेस करूंगा मैं इस डायरेक्शन में, तो आपका जो मैं पहले बोल चुका हूँ कि आपका जो वी होगा जो सेंटर ऑफ बॉयंसी होगा वो क्या होगा वेरी करता रहेगा। तो फर्स्ट लाइन का जो बॉयंसी है ये अगला लाइन दिखा रहा है आपको, सेकेंड लाइन जो आई है बॉयंसी कही आ जाएगी क्योंकि अभी जो बी है उसका वेरी कर चुका है, क्योंकि ये वाला जो एरिया ज्यादा अभी फ्लूड को डिस्प्लेस कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ बी, यहाँ पे इनिशियली बी था पर ये बी डैश हो गया है। और ये दोनों पॉइंट जहां पे कट करते हैं जिस पॉइंट पे जाके पॉइंट कट करेगा उसको बोलते हैं पॉइंट एम, उसको बोलते हैं मेटा सेंटर, वो पॉइंट जो होगा एम पॉइंट होगा जहां पे ये जाके इसको कट करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों फ्लोटिंग कंडीशन में, कि इनिशियली जो आपका पॉइंट है ये लाइन है इनिशियल लाइन है इसका, उसकी बॉयंसी बी है, जी का तो जी रहेगा दोनों कंडीशन में, बट जैसे ही वाटर डिस्प्लेस करेगा तो उसका बी का बी डैश हो जाएगा और ये इसको फोर्स ऊपर लगाएगा फिर से स्टेबल करने के लिए, और जी जहां पे ये दोनों पॉइंट कट करेंगे वो आपका मेटा सेंटर बनता है, जिसके अबाउट क्या करता है बॉडी ऑसिलेट करता है, यहाँ पे एसएचएम मोशन होता है, ऑसिलेशन होता है मोशन, मैं बताऊंगा टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं उसका। तो अब दोस्तों अगर इसको स्टेबल रखना है आपको क्या करेंगे, आप एक टर्म निकालेंगे जीएम हाइट, मेटासेंट्रिक हाइट जिसको बोलते हैं जीएम,
अरे होकर बिजी हो गया ये, 20 GB का डेटा में बिजी हो गया ये, होकर जीएम हो गया। तो जीएम क्या होगा, बीएम माइनस बीजी लिख सकते हैं आप, ऐसा है ना, ये आपका एम हो गया, ये आपका जी हो गया, आपका बी हो गया। आपको निकालना क्या है, जीएम, जीएम क्या हो गया, बीएम माइनस बीजी, ये आप हटा दीजिए आप यहाँ से। तो दोस्तों अगर आपको बीजी, अगर आपको बीजी जो है, अगर आपको जीएम पॉजिटिव हो गया, मीन्स एम एफ एफ जी है, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, इसको पूरी अच्छे तरीके से रट जाएगा, आपको समझ में आए तभी। जीएम जीरो होगा मीन्स दोनों को साइड कर जाएंगे तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा, और जीएम नेगेटिव हो गया मीन्स एम इज बिलो जी मीन्स अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। आपको समझ में आ गया होगा क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पे इस कंडीशन में एम बिलो हो गया मीन्स एम यहाँ पे आ गया और जी ऊपर चला गया और बॉडी से टिल्ट की, तो जी तो नीचे जाएगा जाएगा, 10 फुट लगाएगा, ये बॉडी पूरी तरह पलट जाएगी। आप उसको फिर से एक बार समझने की कोशिश कीजिए, मैंने आपको समझा दिया इस बात को कैसे बॉडी पलट जाएगी पूरी तरीके से। अगेन दोस्तों मैं आपको बताया था कि एम के अबाउट अगर कोई बॉडी फ्लोट करती है तो ऑसिलेट भी करती है, और उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि दोस्तों का जो है उसका ऑसिलेशन का हम लोग निकालना पड़ता है टाइम पीरियड, और ऑसिलेशन का जो दोस्तों टाइम पीरियड होता है वो होता है आपका टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ आई बाई डब्ल्यू जी एम, जैसा कि फॉर्मूला लिखा है 2 पाई आई डब्ल्यू जी एम टू द पावर रूट में हाफ पावर लगाया गया। तो दोस्तों इस फॉर्मूले से आप समझ सकते हैं कि अगर आपको जी एम की वैल्यू अधिक है तो आपका टी जो है वो घट जाएगा, टी मीन्स टाइम पीरियड घट गया मीन्स जो बॉडी है वो टी की से ऑसिलेट करेगी, ऑसिलेशन बढ़ जाएगा, ऐसे ऑसिलेट करने से बहुत फास्ट ऑसिलेट करेगी, और जब बॉडी फास्ट ऑसिलेट करेगी दोस्तों तो क्या होगा आपका, आपको कम जो भी वहाँ पे उस पर्टिकुलर व्हीकल या बोर्ड के अंदर बैठा होगा उसको ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील होगा। मीन्स हम जी एम को बढ़ाने से, अगर हम जी एम बढ़ाते हैं तो बॉडी स्टेबल तो हो जाएगी, जी एम बढ़ाने से ज़्यादा बॉडी स्टेबल होगी, बट उस वो ज़्यादा क्या हो जाएगी, अनकम्फर्ट प्रोवाइड करेगी जो भी उसके अंदर बैठे हुए लोग होंगे। तो दोस्तों आप हमको सोचना पड़ता है, कोई भी अगर हमको सिर्फ डिजाइन करना तो सोचना पड़ेगा कि कैसे डिजाइन करेगी बॉडी को कम ज़्यादा अनस्टेबल भी ना हो और कंफर्ट भी रहे, तो उस कंडीशन में देखना पड़ता है दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन को। सपोज हम डिजाइन कर रहे हैं कोई कार को या फिर कोई ऐसी सीट जिसमें ज़्यादा ज़्यादा लोग वहाँ बैठ जाएंगे, ज़्यादा ज़्यादा वहाँ पर ह्यूमन बींग होंगे, उस कंडीशन में दोस्तों हमको कम्फर्ट का ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, जी एम थोड़ा कम रखते हैं ताकि टेम्परेचर बढ़ जाए, ज़्यादा कंफर्टेबल हो, बट हमको बैटल सीट डिजाइन करना है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं दोस्तों हम लोग, कि उस कंडीशन में हम लोग जी एम को बढ़ा देते हैं, ज़्यादा स्टेबल रखते हैं और कंफर्ट को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। तो आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझा रहा था, कैसे कैसे हम लोग डिजाइन करते हैं सीट्स वगैरह, कैसे मैनेज करते हैं। अगेन दोस्तों हम लोग चलते हैं, ये वही मैं बता रहा हूँ कि कैसे टाइम पीरियड इज इक्वल टू टी 2 पाई k² जी एम, के स्क्वायर है आपके, यहाँ पे क्या है आपका लिस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन है और जी एम मीटर सेंटर गाइड है। तो बता चुका हूँ कि जी एम जैसे बढ़ाएंगे आपको बॉडी तो स्टेबल हो जाएगी, बट टी कम हो जाएगा, टी कम होने से क्या हो जाएगा आपका जो ऑसिलेशन बढ़ जाएगा, ऑसिलेशन बढ़ जाने से ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होगा, तो उसको आपको ध्यान रखते हुए समझना होगा। बट कहाँ पर आपको ज़्यादा कम्फर्ट देना, कहाँ पर ज़्यादा आपको स्टेबल रखना है, वो आपको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सोच सकते हैं। अगेन दोस्तों हम लोग चलते हैं बर्नौली इक्वेशन की, कहाँ कहाँ केवल उसमें समझते हैं जो होता है बर्नौली इक्वेशन, पी बाई रो जी वी स्क्वायर बाई 2g प्लस जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये दोस्तों आपका मीटर के फॉर्म में सारा रखा हुआ है। फ्लूड जो होना चाहिए दोस्तों आइडियल होना चाहिए, स्टडी फ्लो होना चाहिए, फ्लो जो होता है कंटिन्यूस होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए और नॉन विस्कस होना चाहिए और इरोटेशनल होना चाहिए। इरोटेशनल मीन्स कोई भी विस्कोसिटी का टर्म वहाँ पर नहीं आना चाहिए, और ये स्ट्रीम लाइन के अकॉर्डिंग अलोंग जो है अप्लीकेबल है। तो दोस्तों आपने नाम सुना होगा, एक होता है आपका वर्टेक्स मोशन, उसमें होता है फ्री वर्टेक्स। तो फ्री वर्टेक्स में दोस्तों क्या होता है कि जो आपका बर्नौली इक्वेशन है वो थ्रू आउट फ्लो फील्ड में वैलिड होता है, बट अगर मोशन फोर्स वर्टेक्स है तो केवल स्ट्रीम लाइन केवल अलोंग ही वैलिड होता है। आपको ये समझना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको याद रखना चाहिए। अगेन दोस्तों मैं समझता हूँ कि अगर आपको आपको ये बेसिक फॉर्मूला पता ही होगा कि कंटिन्यूटी का इक्वेशन ये होता है डेल रो बाई डेल टी डेल रो वी जीरो। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर डेल रो बाई डेल्टी जीरो करता हूँ, ये किस कंडीशन में जीरो होगा, ये जीरो होगा दोस्तों जब फ्लो क्या होगा इनकम्प्रेसिबल होगा, तो रो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, रो कॉन्स्टेंट हो पर जीरो हो जाएगा। तो अगर फ्लूड इनकम्प्रेसिबल तो क्या होगा, नेट डॉट वी क्या होगा, जीरो होगा, ये आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर दोस्तों फ्लो मीटर्स के बारे में देखते हैं कि कैसे हम कभी भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लो मीटर का यूज कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, तो आप डिफरेंट टाइप के फ्लो मीटर से कैसे फ्लो मेजर करते हैं उसको थोड़ा देखते हैं दोस्तों। तो इस कंडीशन में देखिए आप, पहले मैंने लिया है वेंचर मीटर। तो दोस्तों फ्लो मेजरिंग डिवाइस में वेंचर मीटर एक बहुत ही एफिशिएंट डिवाइस है। अभी देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्योंकि कभी कोई क्वेश्चन आपको दिया जाता है। दोस्तों पहले वेंचर मीटर ऐसा दिखता है, जैसा कोई यहाँ दिख रहा है, और ये आपका डायरेक्शन ऑफ फ्लो है। यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे इनलेट होगा और यहाँ पे आउटलेट होगा, और ये आपका होगा है एंगल ऑफ कन्वर्ज, ये आप एंगल ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, ये वाला एंगल। और ये दोनों एंगल को हम लोग बहुत ही अच्छे से ध्यान देते हैं डिजाइन करते हैं, क्योंकि सपोज मान लीजिए अगर आपका डाइवर्जेंस एंगल ज्यादा आपने कर दिया, बहुत बढ़ा दिया, ये ऐसे कर दिया उसको, तो आपको यहाँ प्रॉपर आपको स्पीड नहीं मिल पाएगी फ्लो। और आपने डाइवर्जन ज्यादा कर दिया, ज्यादा डाइवर्ज कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, यहाँ पे फ्लो सेपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। और ये दोनों ही चीजें बहुत ही डेंजरस हैं आपके वेंचर मीटर डिजाइन के लिए, तो आपको दोनों को ध्यान देना पड़ता है। अब देखते हैं दोस्तों, अगर अदर डिवाइसेस, तो वेंचर मीटर का जो एक्यूरेसी है दोस्तों बहुत हाई है, और इसका जो दोस्तों कॉस्ट हो गया होगा क्योंकि एक्यूरेसी ज्यादा है, और इसका जो हेड लॉस है वो भी लो होता है, और सीडी जो दोस्तों इसका होता है वो 0.95 to 0.98। सीडी दोस्तों होता क्या, क्यों एक्चुअल जो आपका होता है जो आप मेजर करते हैं और सीओ आपका एक्सपेरिमेंट है, जो भी आप क्यों एक्सपेरिमेंट है जो आप मेजर करते हैं इसका सीडी, सीडी में डिस्चार्ज कोएफिशिएंट जो होता है वो 0.98% तक होता है। परफेस मीटर में दोस्तों लो होगा और इसका जो होगा 0.6 to 0.65 होगा, और नोजल जो होगा इन दोनों के बीच का होगा, मीन्स नोजल सबसे कम एफिशिएंट होता है कंपेयर टू वेंचुरी और ऑफिस। तो आप इस तीनों बातें आपको अच्छे से याद रखें, मीन्स दोस्तों पहले वेंचुरी मीटर ज्यादा एफिशिएंट है, उसका नोजल है, उसके बाद आपका ऑफिस मीटर है आपको फ्लो मीटर डिवाइसेस में। अगर दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, हाँ यार और देखते हैं डिटेल में, समझ लीजिए उसको। वेंचुरी मीटर रेट ऑफ फ्लो मेजर करता है, नोजल मेजर करता है, ऑर्फिस मीटर भी रेट ऑफ फ्लो मेजर करता है, बेंड मीटर भी रेट ऑफ फ्लो मेजर करता है, रोटामीटर भी यूज करता है, पिटोट टेप दोस्तों यहाँ पे वेलोसिटी मेजर करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बहुत पूछता है, और हॉट वायर एनर्मीटर जो होता है एयर गैस की वेलोसिटी दोनों मेजर करता है, और करंट मीटर जो होता है वेलोसिटी ऑफ ओपन चैनल मेजर करता है। ये सारी चीजें आप एकदम रट जाइए, काम है सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इससे क्वेश्चन बहुत सारी जगह पूछते हैं। अब दोस्तों सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये मैंने आईएएस का क्वेश्चन लिया हुआ है क्योंकि अच्छा क्वेश्चन लगा, इसमें आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसलिए बैरोमीटर क्या मेजर करता है दोस्तों, लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाइड्रोमीटर क्या यूज करता है, रिलेटिव डेंसिटी मेजर करता है। यूटू मिलीमीटर क्या करता है आपको मेजर, प्रेशर डिफरेंस मेजर करता है। और गॉर्डन क्या यूज करता है, ये आपको गेज प्रेशर यूज करता है, आप उसको आराम से लगा लीजिए कौन सा सही है। ए का दोस्तों हो जाएगा आपका 2, बी का हो जाएगा आपका 3, और सी का हो जाएगा 4, और डी का हो जाएगा ए ऑप्शन पर हो जाएगा। इन ऑटो टून की इज द सेंसिटिविटी, हाँ दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको एक्यूरेसी बता रहा था, एक्चुअली एक्चुअल टर्म होगा दोस्तों सेंसिटिविटी ऑफ यूट्यूब मैनोमीटर। वन लेग इज यूजुअली इंक्लाइन बाय एंगल थीटा, जैसा मैंने आपको दिखाया था कि यूट्यूब मैनोमीटर की आप कब जब क्या करते हैं इसको इंक्लाइन कर देते हैं। तो क्या करने के लिए, सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए, मैं उसको बार बार वहां पे एक्यूरेसी बता रहा था लेकिन उसमें सेंसिटिविटी होगी। तो अब यहाँ पे कितना बढ़ता है कंपेयर टू, तो दोस्तों होता है 1/sin θ, इसको आप बिल्कुल रट जाइए 1/sin θ। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पे देखिए जेड डायरेक्शन में अगर आप डीपी या डीजेड निकालना है अगर आपको, तो क्या होगा -ρg होगा, -ρg, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगेन दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, गेज प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पीजोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द, पीजोमीटर क्या यूज करता है, पीजोमीटर तो दोस्तों आपको मेजर कर सकता है आपका प्रेशर इन पाइप चैनल ईटीसी, ये भी सब मेजर कर सकता है। हाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 1 torr प्रेशर क्या होता है दोस्तों, 1 mm ऑफ मर्करी के बराबर होता है, इसको आप इंक्लूड करेंगे, ये इम्पोर्टेंट है कि 1 torr प्रेशर 1 mm ऑफ मर्करी का। दोस्तों अगेन ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन दोस्तों इसमें देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपको एग्जाम पूछे आपको टाइम ज्यादा लगाना नहीं है, आपको देखते हैं तुरंत आपको निकालना है पहले एच क्या होता है, इसको मान लीजिए एक्स आपको दिया हुआ 10 mm, यहाँ पर 10 mm इंटू
रो मैनोमेट्रिक फ्लूड बाय रो माइनस वन। यहाँ पे देखिए जो मैनोमेट्रिक फ्लूड है उसका जो रो है ज्यादा, इसलिए वहां पुट कर दीजिए एन गुड़े 13600 डिवाइड बाई 1000 माइनस वन पुट करेंगे यहाँ पे आप। अब दोस्तों यहाँ पे हुआ 10 × 12.6 × −3 इतना मीटर हो जाएगा ये। बट आपको निकालना क्या, प्रेशर निकालना, गेज प्रेशर। गेज प्रेशर कैसे निकलेगा, गेज प्रेशर निकलेगा रो जी एक्स के। तो आपको रो जी तो पता ही है, रो पता 10³ है, जी आपको 10 मान लीजिए यहाँ पे सपोज, और एच क्या होगा आपका 12.6 × −3 ये तो कट गया आपका, और आपको हो जाएगा 1236। या आपको दोस्तों यहाँ पे ए ऑप्शन कर सकते हैं आप। आपको पहले दोस्तों यहाँ पे जान लीजिए फॉर्मूला याद रखिए, आप सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है उसका आप कर सकते हैं। अरे दोस्तों इनकेस ऑफ रेक्टेंगुलर लेमिना विद साइड इन द लिक्विड सरफेस हैविंग डेप्थ एच, द डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर विल बी, यहाँ पर एक ये लेमिना है और आपको सेंटर ऑफ प्रेशर का डेप्थ निकालना है। दोस्तों आपको पता है सी पी इक्वल होता क्या है, एच बार प्लस आई बाई ए एच बार। एच बार दोस्तों क्या होगा, एच बाई टू प्लस आई क्या होगा, बी एच क्यूब बाई 12 इंटू बी एच इंटू एच बाई टू। बीस भी कट जाएगा दोस्तों यहाँ पे, एच से एच स्क्वायर कट जाएगा दोस्तों, पता चलता है सी पी इज इक्वल टू एच बाई टू प्लस एच बाई सिक्स मीन्स 3/6 मैं कर देता हूँ 4/6 एच मीन्स 2/3 एच, 2/3 दोस्तों आंसर हो जाएगा आंसर करेक्ट। सी पी का फॉर्मूला याद रखिए, सी पी इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स बार या एच बार प्लस आई डिवाइड बाई एक्स बार इंटू ए। रेक्टेंगुलर टैंक अब स्क्वायर क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, हाइट इसका 4 मीटर है, इस कम्प्लीटली फील्ड अप विद लॉग रेशियो टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एनी वर्टिकल वॉल टू इट्स बॉटम। ये दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको ट्राई कीजिए, मैं आपको हिंट देता हूँ क्वेश्चन बनाने का। स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, हाइट इसका 4 मीटर है, कंप्लीटली फिल्ड वाटर में, तो दोस्तों ये आपको वाटर का ये लेवल है, ये जो बॉल है कंप्लीटली वाटर में फिल्ड है। The ratio of total hydrostatic force at any vertical wall to the bottom. यहाँ पे hydrostatic force bottom पूछ रहा है और यहाँ पे wall में कितना लग रहा है, तो आप दोनों को यहाँ पे निकाल सकते हैं, कैसे निकलेगा फोर्स, रो ए जी एक्स बॉट, अब दोनों लोकेशन यहाँ निकाल लीजिए, तो रो ए जी आपको सेम ही होगा, एक्स बार बैरी करेगा उसमें याद रखिए। अब एक्स बार कैसे निकालेंगे तो आप समझ जाइएगा उसको, ये क्वेश्चन ईजी है, आप उसको चेक कर सकते हैं। इफ डब्ल्यू इज स्पेसिफिक वेट ऑफ ए लिक्विड एंड एच इज द डेप्थ ऑफ एनी पॉइंट सरफेस देन प्रेशर इंटेंसिटी, एक दोस्तों क्या होता है प्रेशर रोजी एच, सॉरी प्रेशर इंटेंसिटी दोस्तों क्या होता है रोजी एच होता है, रो जी एच रोजी डब्ल्यू होती है डब्ल्यू इंटू एच, सी आप सब हो जाएगा तो लिखा भी है यहाँ पे। अगर दोस्तों आप देखिए ये सारे क्वेश्चन, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका, ट्वाइस का क्वेश्चन है इस क्वेश्चन, जैसा भी जब भी ऐसा क्वेश्चन दोस्तों मिल जाएगा एग्जाम में तो आपको ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है। पीस ऑफ मेटल स्पेसिफिक रोटी इतना है फ्लोट इन मर्करी, मर्करी में फ्लोट कर रहा है तो आपको फ्रैक्शन बताना है कितना उसके मर्करी के अंदर है। दोस्तों इस क्वेश्चन जब भी आप दिखे तो आपको तुरंत बताना है इसको रो मर्करी एच कितना उसका डूबा होगा उसमें, रो फ्लोर इंटू टोटल हाइट उसका कितना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे रो फ्लोर कितना हो जाएगा 7 × H यहाँ पे 13.6 इसको बैठे दोस्तों 0.515 H/H अब दोस्तों सी ऑप्शन यहाँ पे करते हैं। The resultant upward force upward pressure of the fluid on the floating body is equal to the weight of the displaced of the body define ये कौन सी होती है दोस्तों, ये तो कौन सी है अगेन दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका
ये क्वेश्चन मैं दोस्तों आपको देता हूँ होमवर्क, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा इस क्वेश्चन को, और ये वाला क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट होगा, इसका क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट होगा, आप इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट कीजिए या फिर बताइए। और दोस्तों आपका हाँ ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अ मेटा सेंट्रिक हाइट और बैटर सीट, तो दोस्तों ये क्वेश्चन रट की तरह पड़ेगा एग्जाम में, बैटर सीट के मेटा सेंट्रिक हाइट थोड़ा ज्यादा ही होगा क्योंकि बैटर सीट में आपको स्टेबिलिटी का ध्यान देना है कम्पेयर टू कम्फर्ट, ये होता है 1 to 1.5, और ये सेलिंग सीट के लिए कितना होता है दोस्तों ये थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमको कंफर्ट ज्यादा ध्यान देना होता है और स्टेबिलिटी कम करना होता है, क्योंकि दोस्तों पता है कि जीएम अगर बढ़ जाती है कंडीशन में मीन मेटा सेंट्रिक हाइट ज्यादा है मीन क्या होता है स्टेबल है और कम्फर्ट उसमें क्या कम है, क्योंकि टी जो होता है टाइम पीरियड जो होता है ऑसिलेशन का होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जीएम, इसलिए जो मैं आपको प्लान बता चुका हूँ मेटा सेंट्रिक हाइट इज द डिस्टेंस बिटवीन सीजी टू मेटा सेंटर, बी ऑप्शन थोड़ा लंबा हो रहा है बट आप इसको अच्छे से देखेंगे तो आपको काफी डाउट क्लियर हो जाएंगे। कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी, मैंने सारे इक्विलिब्रियम कंडीशन आपको अगर फ्लोटिंग है कि क्या है आपको बता चुका हूँ कि आपको देख लीजिएगा अच्छे तरीके से ऊपर क्लियर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मेटा सेंट्रिक हाइट इज अ डिस्टेंस बिटवीन सीजी टू मेटा सेंटर, ये क्वेश्चन बता चुका हूँ पॉइंट रिपीट हो रहा है। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आजकल दोस्तों आ रहा है क्वेश्चन की, अगर दोस्तों देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ राइजिंग प्रेशर ड्यू टू द वाटर हैमर इन अ रिजिड एंड नॉन इलास्टिक पाइप कैरिंग वाटर डेंसिटी रो एंड बल्क नॉट शो, दोस्तों इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका बी क्वेश्चन का कट जाइए करेक्ट होगा, ये हो जो होता है जो वाटर हैमर का जो जो उसका इंटेंसिटी होता है कितना होगा की रो होता है रूट ऑफ की रो, इसको एकदम बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए। अगेन दोस्तों इन द बॉडी इज फ्लोटिंग द लिक्विड इज डिस्प्ले स्लाइटली इट ऑसिलेट अबाउट, दोस्तों मैं पहले बता चुका हूँ हमेशा ऑसिलेशन मेटा सेंटर के अबाउट ही होगा क्योंकि वहीं पे जाके दूसरा पॉइंट कट करता है, इनिशियली बॉडी ऐसा है और इसका मेटा सेंटर का यहाँ आ रहा होगा, जैसे इसको टिल्ट करेंगे बॉडी को ऐसा कुछ बॉडी करेंगे इधर से और इधर से कट करेगा ये पॉइंट जो बनेगा मेटा सेंटर बनेगा, तो मेटा सेंटर के अबाउट ही होता है कोई बॉडी ऑसिलेट करेगी। द बलून लिफ्टिंग इन द एयर फ्लो इज इसमें सब कुछ सही है दोस्तों, जो टेस्टिंग का भी है कमेडियन भी है प्रिंसिपल भी है और बॉयसी भी है तीनों की सही है। अगर दोस्तों यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है आईएस का क्वेश्चन, इसको ट्राई कर सकते हैं अगर आपको अपना अच्छे से और ट्राई करना है तो, ये क्वेश्चन फोर्स का ही क्वेश्चन है दोस्तों। द स्टेबिलिटी ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी डिपेंड्स ऑन अपन हाँ अगर कोई बॉडी फ्लोट कर रही है तो उसकी स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करेगी मेटा सेंट्रिक हाइट पर डिपेंड करेगी, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है फ्लोटिंग के बारे में बता चुका हूँ पहले, अगर ये क्वेश्चन बता चुका हूँ कि फॉर द कंटिन्यूटी इक्वेशंस डेल डॉट वी आपको लेना ये पता होना चाहिए कैसे इसको रिप्रेजेंट करते पहले तो निकल लगा पाएंगे, उसमें यू इज इक्वल टू दोस्तों होता है माइनस डेल साई बाई डेल वाई, बी इज इक्वल टू दोस्तों होता है माइनस डेल साई बाई डेल एक्स, सॉरी ये माइनस होता है प्लस होता है, यहां से जो वैल्यू निकालेंगे इसको पुट करके वो आपको मिलेगा 3 और ये भी आपको मिलेगा 3 और जब आपका रिजल्टेंट निकालेंगे 3² + 3² मिलेगा 2√3 और 2√3 क्या होगा 4.2 हो जाएगा। सेम इसका ऑप्शन ए होगा, इसको देखिए कैसे निकालना है, जब भी आपको निकालना हो कभी भी स्ट्रिंग फंक्शन तो उस कंडीशन में होता है दोस्तों डी एक्स बाई यू इज इक्वल टू डी वाई बाई वी इज इक्वल टू डी जेड बाई डब्ल्यू, इसे पुट करने से आप निकाल सकते हैं इसमें आपको फाइव ये मिलेगा और ये हाँ जो पोटेंशियल फंक्शन दोस्तों होता क्या होता है यू इज इक्वल टू होता माइनस डेल फाइव बाई डेल एक्स, वी इज इक्वल टू होता माइनस डेल फाइव बाई डेल वाई और डब्ल्यू इज इक्वल टू होता माइनस डेल फाइव बाई डेल जेड, स्ट्रिंग फंक्शन होता है। इसको निकालने का तरीका एक और भी है, साई निकालने का तरीका एक और भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अनस्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, मैंने यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म भी अच्छे से डिस्कस किया दोस्तों कि जब भी फ्लो में अगर क्रॉस सेक्शन क्या होगा वेरी करेगा और टाइम भी वेरी करेगा, क्रॉस सेक्शन वेरी किया क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म क्या नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होना चाहिए, उसमें देखिए आपका अगर ट्यूब एक्सपेंड कर रहा है तो क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म होगा बट वहाँ पर रेट भी क्या हो जाएगा रेट भी क्या फ्लो थ्रू एक्सपेंडिंग एंड कॉन्स्टेंट रेट, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे अनस्टडी एट मीन्स फ्लो थ्रू एक्सपेंडिंग ट्यूब एंड इंक्रीजिंग रेट, रेट यहाँ पे बढ़ना चाहिए बढ़ना घटना कुछ चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे ऑप्शन बी नहीं होगा ए ही होना चाहिए।
यहाँ पर 90 डिग्री जो होगा सबसे ज्यादा लॉस। अगर मान लीजिए कोई फ्लू फ्लू कर रहा है यहाँ से इस पाइप में, इस पाइप को 90 डिग्री बेंड कर दिया, यहाँ पर लॉसेस मैक्सिमम होगा। यहाँ पर 90 डिग्री बेंड में सबसे मैक्सिमम लॉस होता है। ये सक्शन प्रेशर इन द रेसिप्रोकेटिंग पंप इज वाइड टू सेपरेशन मस्ट नॉट एक्सीड। ये क्वेश्चन दोस्तों मुझे मिला है, बट इसका आंसर दोस्तों आपको रटना पड़ेगा। 7.7 मीटर होता है एक्चुअली में, स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए बनाया गया। इस सेक्शन प्रेशर में अगर रेसिप्रोकेटिंग पंप का है, अगर आपको अवॉइड करना है सेपरेशन, तो आपको 7.7 मीटर ऑफ वाटर के ऊपर उसको इंस्टॉल करना होगा। अभी दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन टू डायमेंशन दिया गया, आपको निकालना है क्या टोटल एक्सेलरेशन। ये दोस्तों सीधा फॉर्मूला लगाना है इसको, और यहाँ पर 2D फ्लो है क्योंकि वाई एक्स दिया हुआ है, तो आपको अगर एक्स प्लेट निकालना पड़ेगा, एक्स निकालना पड़ेगा, एक्स इक्वल टू क्या होगा, डेल यू बाई डेल टी प्लस यू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वी डेल यू बाई डेल वाई। यहाँ से एक्स निकल जाएगा, फिर आपको वाई निकालना पड़ेगा, डेल वी बाई डेल टी प्लस यू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वी डेल वी बाई डेल वाई। दोनों पुट करने के बाद आपको जो एक्स निकल जाएगा, तो आपको फिर इसको डालना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर आपका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालने के लिए। ये आप कीजिएगा, आपका आंसर आएगा। और आपको पॉइंट दिया गया है 3-2 के अबाउट निकालना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द अजम्पशंस ऑफ द बर्नौली इक्वेशन। देखिए दोस्तों बर्नौली इक्वेशन का क्या है अजम्पशंस को समझिए, मैं आपको बता चुका हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, क्योंकि देखिए लॉसेस उसमें नहीं लिया जाता, उसमें एनर्जी कंजर्व होती है बर्नौली इक्वेशन। आप ए ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट वाइल यूजिंग द बाउंड्री लेयर इक्वेशन। देखिए बर्नौली इक्वेशन आप वहाँ लगा सकते हैं जहाँ पे क्या फ्लोट नॉन विस्कस हो, जहाँ विस्कोसिटी जीरो हो, तो बाउंड्री एयर के अंदर अगर कोई बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे दोस्तों, बाउंड्री एयर फ्लो अगर पड़ा होगा, तो ये जब फ्लो होता है तो बाउंड्री एयर के बाहर जो होता है वो पोटेंशियल फ्लो होता है, इरोटेशनल होता है, नॉन विस्कस होता है, यहाँ पर लगा सकते हैं। तो जब भी लगेगा बर्नौली इक्वेशन तो बाउंड्री के बाहर ही लगेगा। कैन बी यूज ओनली आउटसाइड ऑफ द बाउंड्री, बिल्कुल बी ऑप्शन। थ्री इज यूज टू मेजर द फ्लो इन अ पाइप, देन पाइप इज एनी पोजिशन। यहाँ वेंचुरी हम दोस्तों कभी भी यूज कर सकते हैं, चाहे पाइप हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो, तो यहाँ पर डी ऑप्शन कर सकते हैं। हाँ यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन ये भी है, जैसे मैंने बताया था कि जो वेंचुरी मीटर होता है उसमें जो आपका एंगल होता है, एंगल ऑफ कन्वर्ज और डाइवर्ज जो होता है कितना करना, तो डाइवर्ज एंगल जो दोस्तों होता है उसका उसका लिमिट होता है, उसको हम कभी भी 7 डिग्री से ज्यादा नहीं कर सकते, 5-7 डिग्री रखते हैं। डाइवर्ज एंगल आपको पता होता है, तो कन्वर्ज एंगल होता है बर्नौली का, वेंचुरी का, ये वाला एंगल होता है, सबको 5-7 के बीच में रखना होता है। आई होप दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा। इज द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज फॉर मेजरिंग स्पीड ऑफ सबमरीन मूविंग इन डीप सी। तो सबमरीन का अगर स्पीड मेजर करना है तो आप देख सकते हैं दोस्तों प्रॉब्लम में, ये आपको दिया हुआ है वेंचुरी, तो वेंचुरी स्पीड मेजर करता ही नहीं है, तो क्या अर्थिस नहीं यूज करता और हॉट वाटर मीटर भी नहीं यूज करता, तो गैस और रिएक्टर करता है, डी ऑप्शन करेक्ट है, वन ऑफ दीस। और दोस्तों देखिए कांस्टेंट ऑफ डिस्चार्ज, यहाँ पे आपको थोड़ा याद रखना पड़ा, सीडी इक्वल टू होता है दोस्तों सीवी इनटू सीसी। सीडी आपको पता है कांस्टेंट ऑफ डिस्चार्ज होता है, सीवी दोस्तों होता है कांस्टेंट ऑफ वेलोसिटी, सीडी की वैल्यू लगभग दोस्तों 0.982 के आसपास होती है, और सीसी जो होता है कांस्टेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है। समझ दोस्तों आपका ये आपका लिक्विड है, लिक्विड यहाँ फ्लो कर रहा है पाइप में दोस्तों, जैसे यहाँ पे सडन यहाँ पे आएगा तो उसमें थोड़ा सा लिक्विड यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और फिर पूरी फिर आप पूरा कंप्लीट फ्लो करेगा दोस्तों। ये वाला जो एरिया है उसको बोलते हैं ए सी, और ये तो आपको पता है ए है, तो जो सी सी होता है दोस्तों ए सी बाई ए होता है, फिर बोलते हैं कि एरिया ऑफ कॉन्ट्रेक्शन टोटल एरिया ऑफ द पाइप मीन्स कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन बोलते हैं इसको। इसकी वैल्यू जो होती है 0.6 से 0.875 के बीच में हो जाती है। तो जो दोस्तों रेशन है सी डी सी 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 का यह होता है सी डी इज इक्वल टू सी डी इंटू सी सी, इसका डी ऑप्शन जो है एनर्जी लॉस इन फ्लो थ्रू नॉजल एज कम्पेयर टू द वेंचुरी। तो यहाँ पे मैं बता चुका हूँ कि वेंचुरी जो सबसे एफिशिएंट होती है, तो सबसे कम लॉस उसमें हुआ, तो यहाँ पे जो नॉजल है उसमें क्या होगा, वो क्या होगा, मोर होगा। द एनर्जी लॉस फ्लो थ्रू द नॉजल एज कम्पेयर टू वेंचुरी मोर होगा। सेपरेशन ऑफ द फ्लो कर प्रेशर ग्रेडियंट क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे नॉन ऑफ दी हो, प्रेशर ग्रेडियंट अगर दोस्तों पॉजिटिव हो तभी फ्लो क्या होगा सेपरेट करता है, मैं बताता हूँ कैसे। डीपी बाई
एक्स, समझ लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट टू है, पी वन पी टू। अगर दोस्तों पी टू ग्रेटर देन पी वन तभी फ्लो सेपरेशन होगा, तो डिफरेंस क्या होगा पी टू बाई एल, डिफरेंस क्या होगा, प्रेशर ग्रेडियंट क्या होगा, पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे दिया है टेन टू जीरो गलत है, नेगेटिव ये तीनों गलत है, इसका डी ऑप्शन देखो। प्रेशर ग्रेडियंट पॉजिटिव है तो फ्लो क्या होगा सेपरेट होगा, नेगेटिव है तो फ्लो क्या होगा उसमें वो कंफर्टेबल है, मतलब फ्लो के लिए वो आपको असिस्ट करेगा कि फ्लो अच्छे से हो। 83 का बता चुका हूँ कि जो थियोरेटिकल डिस्चार्ज होता है वो सीधी सीसी होता है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नोच क्या होता है दोस्तों, नोच जो होता है एक्सटर्नल फ्लो डिवाइसेस है, ये रेट ऑफ फ्लो स्मॉल चैनल के लिए यूज करने के लिए होते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों, सी ऑप्शन। नोच के लिए दोस्तों सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रेड बोर्ड जो जिसको मिट रही है दोस्तों, थोड़ा सा थियोरेटिकल क्वेश्चन को रट जाइए, इसको मैंने देखा था डी ऑप्शन भी करेक्ट और ए ऑप्शन भी करेक्ट, इसको याद कर लीजिए। अगेन दोस्तों ड्यूरिंग द ओपनिंग ऑफ द वॉल्व इन अ पाइप लाइन द फ्लो, देखिए जब भी ओपन ऑफ होगा तो फ्लो वहाँ पे क्या होगा, आपका एसिडिक हो नहीं जाएगा, यहाँ पे दोस्तों होगा आपका एनएसिडिक फ्लो, इसको याद रखिए। मैग्नीट्यूड ऑफ वाटर हैमर डज नॉट डिपेंड अपॉन द, ठीक है दोस्तों, वाटर हैमर किस पर डिपेंड नहीं करेगा, टेम्परेचर पर, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं है, इसका ये ऑप्शन करेक्ट है। हाइड्रोलिक रैम इज डिवाइस यूज, ठीक है, अगर आप हाइड्रोलिक रैम का यूज करें तो आपको वाटर को लिफ्ट करना है, किसी हाइट ले जाना है तो आप बिना इलेक्ट्रिक मोटर ले जा सकते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोलिक रैम जो है मैकेनिकल टेक्निक है किसी वाटर को ऊपर फ्लो कराने के लिए। अगर दोस्तों इसी के साथ मेरा लेक्चर खत्म होता है, और दोस्तों आप अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखिए, मैंने थोड़ा जल्दी में कवर किया है मेरे पार्ट को, बट थ्योरी को मैंने अच्छे से पढ़ाया है, अगर थ्योरी आप अच्छे से देखते हैं तो आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से अटेंड कर ले जाएंगे, और जो जो मैंने होमवर्क दिया उसको अच्छे से कीजिए, और बाकी आप अपनी तैयारी करते रहिए। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और मैं दोस्तों बता रहा हूँ अभी कुछ दिनों से मैं लेक्चर डाल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं अब कंटिन्यू रखूंगा और लेक्चर डालते रहूँगा। जी सर दोस्तों।